सारी दुनिया की खुशी से आपका दामन सजे, पूरे हो सपने सुहाने, आप हमेशा साथ रहे। आप दोनों की मोहब्बत जग में एक मिसाल है, हीर रांझा से भी ज्यादा आपका ये प्यार है। गम की वो साई कभी पास ना आए, गम की वो साई कभी पास ना आए। हैप्पी एनिवर्सरी दिल से दुआएं, हैप्पी एनिवर्सरी दिल से दुआएं। दीदी रीजा जी हैप्पी एनिवर्सरी, गोल्डन जुबली एनिवर्सरी, खूब खूब बधाई दीदी रीजा जी को, खूब खूब बधाई हो दीदी रीजा जी को, हैप्पी गोल्डन डे। हम खुद केक काट रहे हैं, खा रहे हैं। आदरणीय दीदी एम जीजा जी, सादर चरण स्पर्श। आज कितना भाग्यशाली दिन है, आपकी शादी को 50 वर्ष हो गए हैं। हम और हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद के कारण आज का यह सौभाग्यशाली दिन हम सबको मनाने को मिल रहा है। आपकी शादी का सफर हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें आपसे ये जरूर सीख मिलती है कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे आपस में प्रेम और भावनाएं से कैसे जिया जा सकता है, कैसे रहा जा सकता है। आप दोनों को दाम्पत्य जीवन के वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहूँगा, जीवन की बगिया हरी रहे, जीवन में खुशियां भरी रहे, ये जोड़ी यूं ही बनी रहे, 100 सालों तक यूं ही सजी रहे। 50 सिर्फ एक नंबर ही नहीं है, बल्कि ये ढेर सारी यादों, मुश्किलों और प्यारों प्यार का एक सफर है। जीजी व जीजा जी, मैंने बहुत नजदीक से आप दोनों को देखा है। आपका सामंजस्य समर्पण वास्तव में बहुत ही अनुकरणीय रहा है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आप कभी भी गुस्से नहीं हुए और ना ही किस पर चिल्लाए, सदैव हंसते रहते हैं। आने वाली हर समस्या को बहुत ही शांति और मुस्कुराहट के साथ उसका हल निकाल लेते थे। मैंने देखा है कि किस तरह आप कम सुविधाओं के बावजूद कितने खुश रहे और सबको कितना खुश रखा। आप परिवार के लिए सदैव सभी से समझौते करते रहे, किसी को कभी एहसास भी होने नहीं दिया। जब मैं जयपुर पढ़ने आया था और 94 चैतन्य मार्ग से स्कीम हमारा पता हुआ करता था, वहाँ रहकर आपके साथ रहकर मैंने जीवन की कई बातें आपको देखकर सीखी। आप किस तरह से सबकी मदद के लिए हरदम तैयार रहते थे। जी, सबसे पहले सबको उनकी हर इच्छा पूरी करने के लिए कैसे तत्पर रहती थी, फिर खुद के लिए कुछ करती थी। मैंने जीजी को कभी भी बहुत महत्वाकांक्षी ये इच्छाओं से परिपूर्ण नहीं पाया। जीजी जैसा भी था, जितनी भी उपलब्धता थी उसमें अपने आप को सदैव खुश रहा करती थी। आपका ससुराल पक्ष की ओर से भी सदैव बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार रहा है। कभी भी हमें नहीं लगा कि आप विशेष मेहमान हैं, हमारे बड़े जीजाजी हैं। आपने सदैव घर परिवार की तरह, जैसे जो भी सुविधा है उपलब्ध हुई उसको स्वीकार किया और आज तक कभी किसी बात की कोई शिकायत नहीं की। आप दोनों का इतना प्यार, समर्पण और एक दूसरे के प्रति सामंजस्य की भावना देखकर सच में इससे बड़ा कोई उदाहरण अच्छे किसी कपल का नहीं हो सकता। जीजा जी, हमें आपके गर्व है। जीजी आपकी ममता में हम सबके प्रति उदारता हमारे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। परम पिता परमेश्वर और हमारे सभी पूर्वज से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे सबसे प्यारे जीजा जी को और जीजी भाई को बहुत बहुत शादी की 50वीं सालगिरह पर बधाई हो। और कारणवश हम बड़े धूमधाम से समारोह को नहीं मना पाए। जीजी हम बड़ौदा में ही आपकी 50वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं घर पर ही, और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं क्या आपका आशीर्वाद हमेशा हमेशा हम पर बना रहे
ईश्वर आपको परिवार को तनिक भी किसी भी तरह की कमी कोई भी तकलीफ ना हो, सदैव ध्यान रखे ईश्वर आपका, आपकी प्रार्थना और आपके परिवार के लिए हम बहुत बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और इसी तरह आने वाले अनेक वर्षों तक आपका ये प्यार बना रहे। और प्रणाम जीजाजी, दो प्रणाम जीजाजी, जीजी दो प्रणाम, हैप्पी एनिवर्सरी, खूब खूब मुबारक हो आपको।